तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मोबाइल को अपडेट कैसे करते हैं। मोबाइल अपडेट करने के लिए ऊपर से नीचे स्क्रॉल करना है, अपना सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे अबाउट के बगल में देख सकते हैं यहाँ पे लाल कलर का कुछ नोटिफिकेशन शो कर रहा है, यहाँ से शो कर रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए जो आया है ऑफिशियल वर्जन 1.24 GB का है, 1.24 GB का है जो कि अपडेट आया हुआ है। और इस पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है, व्यू अपडेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है हमारा आ जाएगा यहाँ पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, एक डाउनलोड एंड इंस्टॉल ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे करिएगा तो जैसे इस पे क्लिक करिएगा आपका जो है ये डाउनलोडिंग होने लगेगा। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा, जितना स्पीड आपका नेट चलेगा उतना स्पीड में ये डाउनलोड होगा, ठीक है। यहाँ से डाउनलोड हो रहा है क्योंकि वाईफाई जो है उसमें नेट नहीं है, वाईफाई को बंद करते हैं और यहाँ फ़ोन के नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं और यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। डाउनलोड तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ से जो है डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये 100% जब तक होगा तब तक हम वीडियो को थोड़ा सा स्किप करते हैं, डाउनलोड होने देते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड जो है पूरा फुल हो गया है और यहाँ पे आ गया है इंस्टॉल नाउ, ठीक है। इंस्टॉल नाउ वाला ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे बोल रहा है फाइंड न्यू वर्जन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इंस्टॉल नाउ वाला ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ गया वेरीफाइंग, ठीक है। यहाँ पे वेरीफाइंग का ऑप्शन आएगा एक, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। किसी किसी फ़ोन में क्या होता है कि दोस्तों जल्दी ऑन हो जाता है और कोई कोई फ़ोन होता है जो ज़्यादा ही टाइम लगाता है जब स्विच ऑफ होता है तो ऑन होने में। तो यहाँ पे वेरीफाइंग लिख कर आ रहा है, चलिए हम थोड़ा सा वेट करते हैं क्या आ रहा है देखते हैं। बंद हो गया फ़ोन हमारा, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली ऑन होगा और यहाँ पे जो है अपडेट जो का प्रोसेस जो है वो शुरू होगा, शायद इसी प्रकार से होता है। थोड़ा सा टाइम लगेगा ऑन होने में, यहाँ पे रुका हुआ है, देखिए ऑन हो चुका है फ़ोन हमारा। यहाँ पे Realme पर स्टॉप है, थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोन हमारा ऑन हो गया है, ये लॉक जो हम सिम में लगाए हैं ये वाला लॉक है, ये हमारा स्क्रीन लॉक हो गया। और लॉक ओपन करते हैं और यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है कि नहीं। देखिए अब फ़ोन हमारा बिल्कुल अपडेट हो चुका है, ये जो ऊपर स्क्रॉल आ गया यहाँ पर बोला है फिनिशिंग सिस्टम अपडेट, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा, यहाँ से ऑटोमेटिक ही हट जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेता है ये भी, ठीक है। और ये पूरा हट चुका है और ये पूरा जो अपडेट होकर ये सिस्टम में चेंज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे फिनिशिंग सिस्टम अपडेट, यहाँ पे भी थोड़ा सा अपडेट कर रहा है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे जो कि थोड़ा इधर में ये होकर हट जाएगा और ये अपडेट हो चुका है एकदम से ही। और ये जो है ऊपर का भी थोड़ा सा चेंज हुआ है यहाँ से। तो दोस्तों इस प्रकार से आप किसी भी फ़ोन को एकदम ही आसानी से अपडेट कर सकते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को भी लाइक करना ना भूलिएगा, धन्यवाद। देखिए फुल प्रोसेस हो चुका है हमारा अपडेट का।